हमारे सीनियर आर्टिस्ट खालिद भाई साहब ने जाना है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टार है ये, ऐसी पर्सनैलिटी है, हम खुद सब इनकी तालियां बजा दें, इनकी बातें सुनने का मजा आएगा। ये भंडारा साहब, अशर खान साहब, राशि साहब, ये सारे लड़के जो इकट्ठे हुए हैं ना, इनको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। और ये बात सर जी, बट सर अल्लाह की कसम मैं नहीं सीख नहीं जाती, खान साहब ने कहते खाना खान जाना तद मैं भारत का आनंद पे। दो दिन पहले एक रिकॉर्डिंग में थे हम मलेशिया के सीरियल की, वहाँ जो ड्रामे में मेरी बेगम बनी थी उसे गुस्से से घर से निकालना था, मैंने उस पर गुस्सा उतारते उतारते असली वाली बीवी का गुस्सा भी उस पर उतार दिया, मेरा गला बैठ गया इसीलिए। साहब आप चांद भूल कर नहीं आए, आपने बालों के अंदर अपना चांद छुपाया हुआ है। माशाल्लाह मुस्कान साहिबा भी आज ही के दिन पैदा हुई थी, और वो भी अपनी सालगिरह छोड़कर इस सालगिरह में शरीक होने के लिए आई हैं। तो इधर ही आ जाए मुस्कान, बहुत बहुत स्टेज पर आ जाए मुस्कान को, हम भी देख लें सर जी आपके साथ, हमें भी एजाज मुस्कान आ जाए प्लीज। वैसे भी इतने जिहड़ा अपने साथी या बेगम लैके आता वो ही परफॉर्म करता, मैं कला आ गया सर, मेरे नाल भी कोई होने आए। मुस्कान आए माशाल्लाह जी, आपको भी हैप्पी बर्थडे जी। सर जी यह थोड़े नाल भी आ गई है, उन्होंने नाल भी आ गई है, मैं फिर नहर तो चला जा। जिस जमाने से मैं जफर खींची साहब को जानता हूँ, उस जमाने से लेके अब तक ये किसी एक जगह पे जामित नहीं हुए, खड़े नहीं हुए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उर्दू का मुहावरा है, बेकार कुछ किया कर कपड़े फाड़ते सी आते, इन्होंने कपड़े नहीं फाड़े, वक्त के साथ साथ अपने काम में तब्दीली लाते रहे हैं। किसी ज़माने में ये अदाकार थे, फिर एक चैनल के लिए हिदायतकार भी बने, फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ इन्होंने आर्ट अकेडमी खोली, मैं वहाँ भी इनके पास गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो उनके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और अब चूँकि आने वाला वक्त जो है वो आपके मोबाइलों में आपका टेलीविजन होगा, तो उसके लिए अभी से इन्होंने तैयारी की और ई बॉक्स नाम से जो एंटरटेनमेंट का ये चैनल शुरू किया है, तो ये मैं समझता हूँ कि वक्त कदर की है, और जिस तरह ये शुरू से लेकर तक स्ट्रगल करते आए हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को इनकी कोशिश को बराबर करेगा। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अच्छा जी ये हमारी लॉन्चिंग की तरफ आते हैं, व्हाट्सएप की मौजूदगी का फायदा उठाइएगा, और अजर आपा जी, जी आप भी तशरीफ लाइएगा, अशरफ खान साहब सर आप भी आ जाएं, ये हैदर सुल्तान साहब सर आप भी आ जाएं, और चले एफी साहब जो सीनियर है, मुख्तार साहब सर आप भी आ जाएं प्लीज। एक सर हम चाहेंगे कि चैनल की जो ये लॉन्चिंग है, रिवीलिंग है, ये सर के हाथों हो जाए, असल भी सर सर आ जाए, सवारी भी सर के बहुत सीनियर लोग हैं, अजरा आपा नुशर तो सर भी आ जाए, सीनियर राइटर डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर और बहुत बड़े जर्नलिस्ट, ये आपके सामने हमारे इस चैनल एंटरटेनमेंट बॉक्स ई बॉक्स का ये अभी खूबसूरत लॉन्चिंग आपके सामने, इसे पंजाबी में कहते हैं मुख वकाई। बाबी साहब सर बहुत बहुत वेलकम, माशाल्लाह आ जाए सर। और ये जो मोबाइल है वो अपने संभाल के रखें, आप ही देखिए अम्मी नहीं प्यार से कहना है साइड पे, साइड पे चले गए वो भी यही कहते हैं समीना आपा समीना बस जी जी अभी भी आपको प्यार की जरूरत है, पेरेंट्स से किया था। अच्छा जी ये अभी लॉन्चिंग है, जरा तालियों की आवाज आ जाए, और ये है जी हनी चुचेन विंडोज ई बॉक्स, आप लोग तालियां बजा सकते हैं, ये है आपका जो चैनल कमिंग सून योर वॉच ऑल यूट्यूब चैनल प्रोग्राम फॉर दिस टेलीविजन ब्यूटीफुल नेम बोलते हैं यो यार को छोड़ दियो एडिशन ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पेशल बन जाएगा, हम इसको भी नाम देखेंगे, वेट कीजिएगा वेट कीजिएगा प्लीज एक मिनट वेट कीजिएगा, अब चैनल लॉन्च हो गया, अपनी वेट होना किसी साहब
उसके बाद एवरीबॉडी डांस एंजॉय है जो एंटरटेनमेंट नाम है खूबसूरत और ई बॉक्स खूबसूरत नाम खूबसूरत लोग खूबसूरत टीम और आज जरा तालियां बजा सकते हैं जिनके हाथ खाली हैं प्लीज प्लीज क्लैप कर दें तो अशोक खान साहब बड़ी अच्छी बात की माशाल्लाह सिंह खान बरसा मौजूद हैं इफ्तार रफी साहब मौजूद हैं और वाजा साहब मौजूद हैं शुआ काजमी साहब बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आपा बैठी है समीना आपा असद भंडारा साहब जी थम अभी थोड़ा सा शोर होना चाहिए मिलके जरा 1 2 3 हेलो मेरे पास कर दो चेक ही करना था क्योंकि एंटरटेनमेंट है हल्ला गुल्ला एंजॉय करना चाहिए सारे चले जी थोड़ा सीट प्लीज चले टाइगर अच्छा जी आप फोटोग्राफी बाकी बाद में कर रहे हैं थैंक यू असीम प्लीज असीम बेग साहब सर